नमस्कार, मैं हूँ योगिता प्लास और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। इस वक्त हम मौजूद है वॉइस ऑफ एमपी के न्यूज रूम में, जहाँ से हम आपको लगातार देश प्रदेश में होने वाली हर छोटी बड़ी खबरों से अवगत करवाते हैं। और इस वक्त मैं आपको मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ा एक अपडेट बताने जा रही हूँ, जहाँ कांग्रेस की CWC बैठक पर एक बार फिर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार कहा है कि इस वक्त जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी है, उसमें जो भी अध्यक्ष पद को लेकर चल रहा था, वह सब स्क्रिप्टेड था। साथ ही उसका सभी का हास्यास्पद यह रहा कि इतने पुराने कांग्रेसी कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजिद जैसे नेता भी गद्दारों की गिनती में आ गए हैं। कांग्रेस, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में अब कांग्रेस पार्टी के हेडमास्टर ही फर्स्ट हो गए हैं। साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने यह भी कहा है कि मैंने तो सोमवार को ही कहा था कि स्कूल में हमेशा हेडमास्टर का बेटा ही फर्स्ट आता है, परंतु यहाँ पर सिर्फ इतना सत्य है कि इस बार हेडमास्टर ही फर्स्ट आ गए। पहले सोनिया गांधी जी ने विचार किया, उसके बाद सोनिया गांधी जी दिया, उसके बाद नेताओं के कहने पर उन्होंने अपना इस्तीफा वापस दे दिया। इन सब के बीच में सिर्फ इतना सब हुआ कि इतने पुराने कांग्रेसी कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजिद जैसे नेता भी गद्दारों की गिनती में आ गए। अब 6 महीने बाद आगामी 6 महीनों में कांग्रेस का क्या होना है, ये भी तय है। अगर कांग्रेस में लोकतंत्र होता तो गुलाम अभी शाम तक आज़ाद होते हैं। वहीं कमलनाथ के सोनिया गांधी को समर्थन वाले बयान पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने चुटकी लेते हुए कहा है कि कमलनाथ की आस्था अलग है, कमलनाथ अब बुजुर्ग है तो वो उधर ही जाएंगे। उन्होंने तो अपनी श्रद्धा ट्विटर पर ट्वीट के माध्यम से भी जताई है। तो ये था मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ा अब तक का अपडेट। अन्य खबरों भी हमारे साथ बने रहे वॉइस ऑफ एमपी पर। साथ ही हमारे ऐप को डाउनलोड करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।